चारे वहां भी तू भी क्या क्या बकता है, चारे वहां भी तू भी क्या क्या बकता है, बकता है बकता है। अरे पड़कन सुलीमान बरेली वाले का, पड़कन सुलीमान बरेली वाले का। मोहतरम सामईन इकराम, ये एक शैतान अहले हदीस गैर मुकल्लिद वहाबी है जो तेलंगाना हैदराबाद के रहने वाला है। ये शैतान किस तरह मुहर्रम के शरबत को गलत बता रहा है और दलील मांग रहा है, जबकि इसका नाम ही अहले हदीस गलत है और बिदअत है। ये शैतान अपना मजहब भी छुपा रहा है, सही से बताया नहीं शुरू में, और ये हनफी मजहब को गलत बता रहा है, गुमराह बता रहा है। तो इस शैतान का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस शैतान को आप हजरात कॉल कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग को आप हजरात अपने हिसाब से जो बोलना चाहे बोले। तो इस ऑडियो को सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैर। कौन बोल रहा है जनाब? जी मैं अनवर बोल रहा हूँ। अनवर किस मंदिर से ताल्लुक रखते हो? हाँ सुन्नतुल जमात ओरिजिनल। ये क्या है बोले तो, यहाँ बाजू वाले बोल रहे हैं शरबत नहीं पिलाना बोल रहे। अनवर आप? हाँ जी इन्हों क्या बोल रहे हैं बाजू वाले जमात सुन्नी हनफी बरेली मसलक से ताल्लुक रखते हैं? किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? हनफी अहले सुन्नत में आते हैं। अरे मेरे भाई ये बाजू वाले क्या बोल रहे हैं शरबत नहीं पिलाना बोल रहे? तुमसे कुछ पूछ रहा हो। अरे वही तो बोल रहा हूँ शरबत के बारे में। शरबत बताओ ना पहले यार। मना बोला ना मैं असली ओरिजिनल अहले सुन्नत वल जमात हूँ, बोल तो आपके की दुकान खोल के बैठे यार। अहले सुन्नत वल जमात तो सभी लोग कहते हैं ना। ओरिजिनल अहले सुन्नत ना, तुम तो अनफी है ना, अनफी खुश है। क्या होता है यार, अपनी पहचान बताओ ना यार। क्या लोकल पहचान बताओ यार? अहले सुन्नत वल जमात बता रहे हो तुम, हो कौन? अरे ओरिजिनल अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, आज तो बरेलवी भी कहते हैं, देवबंदी भी कहते हैं, अहले हदीस भी नहीं। वो नहीं होते यार। अरे मेरे भाई अब्दुल कादर जिलानी रहमुल्लाह ने हनफी फिका को गुमराह में लिस्ट किया। गुमराह उनके मुखालिद करते तुम बन जाए। हम कहा उनके मुखालिद, उन्होंने बाकायदा दलील देके बताइए। मुखालिद तो तुम हो उनके। क्या कर रहा? अरे गुमराह बात कर, फिका की लिस्ट में शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फिका हनफी को लेके आए। हनफी झूठा धर्म कब से सुननी होगा यार? अरे अहले सुन्नतुल जमात का मसला कंफ्यूज से पहले। अरे मेरे सादिक हनफी धर्म बड़बड़ कम कर, अपनी पहचान बता पहले। मैं हैदराबाद से अहले सुन्नतुल जमात दुले भाई बोल रहा हूँ। झूठा ऐसा कहो, ऐसा कहो। अरे सबको मालूम है अहले सुन्नतुल जमात बोल तो अहले हदीस रहते ओरिजिनल अहले हदीस। अपनी पहचान बता पहले मनोज। अरे मनुष्य की औलाद मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरा जो झूठा धर्म। अरे यार तुम किसको लिए यार? अब्दुल सत्तार भाई किसको लिए? इसका मुंह ही पैखाना है। अब्दुल सत्तार भाई इसका मुंह ही पैखाना है। पूछ रहे सीधा सीधा तो अपनी पहचान क्यों छुपा रहे फिर? अरे मैं अहले सुन्नत हूँ मेरे भाई, हनफी अहले सुन्नत में नहीं आते। अहले सुन्नत जमात में दो है, एक देवबंदी है, एक हनफी है, अपने सुन्नी है, कौन है आप? अरे मेरे सत्तार भाई ये हनफी धर्म से पहले अहले सुन्नत वल जमात थी, ये हनफी अहले सुन्नत में नहीं आते भाई, ये गुमराह है। अरे मेरी पहचान अहले सुन्नत वल जमात है, अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो अहले हदीस। अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो, अहले हदीस हनफी गुमराह बात कर सको। मैं हनफी धर्म वजूद में नहीं आने से पहले सहाबा थे अहले सुन्नतुल जमात। ये बताओ उसने अभी कौन इतराज कर रहा था? हम ही कर रहे थे जी, दूल्हे भाई कर रहे थे। दूल्हे भाई से शरबत पिलाने की दलील दो। ओ काफिर तू ही कर रहा था ना? काफिर तू होगा मेरे को काफिर बोल के हल्दी की दलील दे। तू कर रहा था ना बे? के काफिर कर रहा था शरबत बोल। अच्छा दे तेरे पास है तेरे शरबत की दलील? शरबत की दलील है खाली काफिर काफिर बोल के भागेगा?
अबे मैं कहाँ बात करूँ, मैं कह रहा हूँ अबे तो झंडो दे रहा, फिर दलील कब देता? अल्लाह के रसूल की सुन्नत सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं कि अशुरे का रोजा रहो, यौम अशुरे का। अरे यार तू शर्माता बातें फिर रहे, हंसी भरे नहीं, उसके ऊपर दलील देना तो खुद जो है नबी करीम सल्लम की मुखालफत बन गई हो। हाँ शरबत पर बात कर रहा था, किस पर बात कर रहा था? शरबत पे बात कर रहे, दे रहे झंडू। हाँ तो शरबत पर क्या क्या हुक्म लगाते हो तुम? क्या हुक्म लगाए थे? अल्लाह के रसूल की मुखालफत हाँ। कर रहे, अल्लाह के रसूल बोलेंगे तुम यौमुल अशरे का रोजा रहो, तुम शरबता पिलाते फिर रहे नबी की मुखालफत करते हुए। रोजा तुम रखते ही ना, हमने कब का रोजा नहीं रखते हैं? फिर शरबता किसको पिला रहे थे झंडू? किसी रोजादार को हमने पकड़ लिया नहीं, रोजा मत रख शरबत। अबे रमजान के अबे रोजों में कोई तो भी शरबता पिलाते रहता ही मैदान में, मैदान में तो मैदान में बाहर निकल दूल्हे भाई मैदान में ठहर के बात करते हैं, कभी भी समझ जा। कौन सी हदीस? सही मुस्लिम की हदीस है झंडू, तू बता ये कहाँ से ला? अस्तग़फ़िरुल्लाह, सत्तार भाई कौन से झंडू को उठा के लाए जी? इसको बात करने की तो तमीज नहीं है ना। हदीस पढ़ेगा? अबे तू खुद काफिर होगा, मेरे को काफिर बोल के मेरे पे हदीस सुनता है, ये तो काफिर है ना। मैं फिर हदीस कहीं को पढ़ा रहे फिर? वो दिन भागा था अभी तीन दिन पहले तू। अरे झंडू ऐसा कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ जो मेरे को भगा सके। माना कि तू मेरा साला है, लेकिन ऐसे नहीं बात। साले दूल्हे भाई है हैदराबाद से, दूल्हे भाई बात कर रहे हैं पूरे बरेली अपने जमा रहा था। हेलो हेलो, अनवर भाई जरा हिसाब से बात करो आप। अरे वो देखो ना, उन्हें काफिर काफिर बोल रहा तो तुम उसको कुछ भी नहीं बोल रहे, कोई तरीका है क्या? नहीं भाई भाई देखो, उसके उसके पास दलील है तो उन्हें दलील देना ना, शरबत पिलाने की दलील है ना। अरे हम तो उसके दूल्हे भाई हैं, हम तो उसको इज्जत तक बात करते हैं। साजिद को गुजरात का है ना मेरा साला है वो। हदीस पढ़, वो कौन सी हदीस पढ़ रहा था अभी? हदीस पढ़। हदीस में बोल दिया सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले यौम अशरा का रोजा रहो, तू शरबत पिलाने की दलील दे। तेको कहाँ समझ में आता रे मतन, तेको मतन कहाँ समझ में आता? इनकार कर, ऐसी हदीस नहीं है बल्कि झूठ बोल रहा है। तू इनकार कर, इसको अरबी नहीं आती है, झूठा इनकार। अरे मेरे को क्या आता, मेरे को बेटा शियों की मुशाबहत कर रहे। सुन सुन सादिक, अल्लाह के रसूल की हदीस से मन तशब्बा भी कौमिन फौमिनुम, अल्लाह के रसूल की हदीस से मन तशब्बा भी कौमिन फौमिनुम। तुम जो हाँ, अरे क्या तेरा फारूक हदीस समझा क्या? मेरे को हदीस नहीं पढ़ना है, हदीस भी नहीं है, मुस्लिम शरीफ में हदीस नहीं है। नहीं नहीं ये हदीस नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या कहूँ, ये तो मुस्लिम और बुखारी में हदीस है ये तो। हाँ ये हदीस, अरे यही तो पढ़ रहा ना। तुम शियों की मुशाहदत करते हुए जो शरबत पिला रहे हो उसकी दलील कहाँ है? अबे हदीस पढ़, हदीस पढ़। अभी तो हदीस पढ़ा। तुम शियों की मुशाहदत कर रहे हो, अल्लाह के रसूल फरमाए मन तशब्बा भी कौमिन मोमिनुम। हदीस भी नहीं पढ़ पाया था। अरे काफिर के बच्चे, तेरा पेट चीरे तो तेरे को अलीफ कर लूं। तो मैं क्या पढ़ा रहे झंडो, मन तशब्बा भी कौमिन मोमिनुम, मैं क्या पढ़ा फिर? अरे पार इसको कौड़ी का इल्म नहीं है भाई, कोई इसको अच्छे को लेके आओ। पढ़ लिए रे दूल्हे भाई, पढ़ लिए तेरे तेरे दूल्हे भाई सही पढ़ लिए, अब लोग सुन के फैसला करेंगे। काफिर तेरी दलील का है, शरबत की दलील देता कि नहीं देता? अहमद रजा को खबर से उठा के लाया, अभी तो दलील नहीं है। फिर दलील कब देता फिर? आप दलील लेना महंगा पागल, रख फोन, रख दलील नहीं है। सत्तार भाई कोई दूसरे को लियो। अरे काफिर की औलाद तू, पहले शरबत की तेरे दलील देना, मुस्लिम तो इनकार करना, मुस्लिम में नहीं है अल्लाह के रसूल यौमुल अशरा का रोजा नको रहो बोले तू बोलना। तू हदीस पढ़ ले तो तुझे पूछ रहा, मैं इनकार की बात कर रहा हूँ? मैं क्यों पढ़ू रे, तू पढ़ के बता तेरे शरबत की दलील। अरे मैं क्यों दलील दे रहा हूँ? कहाँ दलील दिया रे, कहाँ दलील दिया तेरे शरबत की दलील? अरे तो पढ़ के तो बताना, कौन सी दलील दे शरबत पिलाने की? अरे काफिर के औलाद शरबत की दलील देना, जगह जगह जो तो शियों के सर का शरबत आप पिला रहे बेटे, दलील का है शिया के बच्चे? तू भी नमाज पढ़ के नहीं हुआ पता, मुझे अभी तक नहीं किया। शिया भी रोजा रखता है, तू रोजा रख के तू? अल्लाह अकबर, शिया रोजा रखता है, अल्लाह अकबर, शिया रोजा रखता है। चल दलील दे, दलील दे, दलील दे, शिया रोजा रखता है। अरे रोजा तो सुन्नी रखते हैं, लेकिन तुम बरेली शिया शरबत पिलाते? अरे पागल भाग रहा, एक बात भी कभी ठहर के सही टॉपिक पे बात नहीं कराए, एक बार वो तो इधर भागता, उधर बोले तो उधर भागता। पता है इतना कि नहीं रखता
अरे शिया की औलाद हो, शिया रोजा नहीं रखता, सुन्नी रोजा रखते। शिया के औलाद का काम शिया की औलाद है। हदीस पढ़ने के लिए कोई नहीं, बेटा पेट के लिए तो इल्म नहीं है, भागो।